नमस्कार, आज इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ शहनाज रजा। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियाँ पृथ्वी से समाप्त हो जाएं, तो 4 साल में मानव जाति का अस्तित्व दुनिया से मिट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मधुमक्खियाँ यानी हनीबी और इसकी अन्य प्रजातियाँ पौधों के परागण या पॉलिनेशन में बड़ी भूमिका निभाती हैं। पर अफसोस, आज कई वजहों से मधुमक्खियों की कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली में हनीबी एंड पॉलिनेटर्स के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बलराज सिंह और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित टूकिया। आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संगठन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अभी तक भोजन के लिए पूरे विश्व में 6000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों की खेती की गई है। लेकिन आज 200 से भी कम पौधों की प्रजातियां हमारे आहार का मुख्य स्रोत रह गई हैं। इतना ही नहीं, 2014 में विश्व के संपूर्ण फसल उत्पादन में पौधों की मात्र 9 प्रजातियों का 66% योगदान रहा। फसलों और आहार की घटती विविधता चिंता का विषय है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। ये चिंता सीधे परागण में योगदान देने वाले जीव जंतुओं से जुड़ी है। उनमें भी सबसे ज्यादा चिंता मधुमक्खियों की प्रजातियों को लेकर की जा रही है, क्योंकि इनका परागण में 1/4 के लगभग योगदान है। मधुमक्खियों में भी जंगली प्रजातियों की भूमिका ज्यादा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज मई 2016 में प्रकाशित एक शोध पत्र के मुताबिक 100 प्रमुख फसलों में से 80% के परागण में जंगली मधुमक्खियों यानी वाइल्ड बी की भूमिका है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरे विश्व में मधुमक्खियों की 25,000 से 30,000 प्रजातियां हैं, वहीं भारत में 1,000 के लगभग प्रजातियां हैं। वैश्विक स्तर पर खासकर यूरोप और अमेरिका में कई प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे के बारे में हाल के वर्षों में काफी चिंता जाहिर की जा चुकी है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक हमारे देश में भी स्थिति बेहतर नहीं है। इकोलॉजिकल इकोनॉमिक 2009 में छपे एक शोध पत्र के मुताबिक पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में 40% से ज्यादा मधुमक्खियां विलुप्त हो गई हैं, लेकिन जंगली मधुमक्खियों का कोई आंकड़ा नहीं है। अगर ये नन्हे कीट पतंग ऐसे ही गायब होते रहे तो आने वाले समय में आप ना कॉफी की चुस्कियां ले सकेंगे और ना सेब का स्वाद। इनके ना रहने से भूख को हराने की वैश्विक मुहिम भी हार जाएगी। तो हमने इस रिपोर्ट में देखा और इन चिंताओं पर बात करने से पहले हम इन नन्हे जीवों को बेहतर समझते हैं और सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मक्खियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इनके बारे में क्या कुछ जानकारी उपलब्ध है। डॉक्टर बलराज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी की कितनी प्रजातियाँ हैं और उनके बारे में कितनी जानकारियाँ जो हैं वो अब तक यहाँ पर उपलब्ध हैं। देखिए, जहाँ तक मधुमक्खियों की हनी बीज की प्रजातियों की बात है, विश्व भर में 9 प्रजातियाँ प्रमुख तौर पर पॉलिनेशन का काम करती हैं, परागण का कार्य करती हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उन 9 प्रजातियों में से 5 प्रजातियाँ हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं, जिसमें से जो 5 प्रजातियाँ हैं, 2 प्रजातियों को हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पालतू बनाया हुआ हमने, जिसमें एक तो हमारी खुद की घरेलू जो प्रजाति है एपिस सिराना इंडिका, वो बड़े पैमाने पर अलग अलग उसकी बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल है, पहाड़ों पर अलग हैं, जो हमारे उत्तरी पूर्वी घाट हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उनमें अलग हैं स्पीशीज अवेलेबल हैं, तो उनको हम जो है ना रेयरिंग करते हैं, पालतू बनाया हुआ है, बक्सों में रखते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी एक विदेशी जो प्रजाति है एपिस मेलिफेरा इटालियन बी, वो प्रमुख तौर पर उत्तर भारत के जो मैदान हैं या और दूसरे क्षेत्र हैं उनमें पालतू रूप में हम उसको रखते हैं। और इसके अलावा 3 प्रजातियां एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरिया और इसके अलावा टेट्रागोनाला, ये जो हैं जंगली हैं और ये बड़े पैमाने पे विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो कुल मिला के ये नहीं है कि सारा काम परागण का मधुमक्खियां ही करती हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज बड़े पैमाने पे 70-75% योगदान विश्व भर में 9 प्रजातियों का परागण के अंदर है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे कीट, मित्र कीट जिनको हम कह सकते हैं, उसमें ततैये हो सकते हैं जिनको हम वास बोलते हैं, तितलियां हो सकती हैं, बटरफ्लाईज जिनको बोलते हैं हम, इसके अलावा और बहुत सारे जो है ना भावरे, वो भी जो है ना, और दूसरे कीट पतंग जो हैं वो भी परागण का कार्य करते हैं। लेकिन निश्चित
आपने जो बात कही कि अभी तक हम लोगों का या हमारे आम व्यक्ति का या किसानों का इस तरफ ध्यान नहीं गया है कि मधुमक्खियों का सिर्फ हम उसको शहद के रूप में देखते हैं, जबकि उनका महत्वपूर्ण योगदान जो है वो खेती के अंदर परागण का कार्य करने के रूप में है। अगर वो ना हो तो हमारी कृषि नहीं बच सकती और हमारी कृषि उसी के ऊपर आधारित है। जैसे डॉक्टर बलराज, आप ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं भारत के, उन्हें नहीं पता है कि जो मधुमक्खियां हैं उनका बेसिकली क्या महत्व है कृषि को लेकर या परागण को लेकर, क्या कुछ है पॉलिनेशन को लेकर, तो आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो वहाँ किसानों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है और वहाँ पर इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। भारत और विदेशों की अगर हम तुलना करें तो विदेशों के अंदर कोई भी अगर प्रजाति का संरक्षण और उसके ऊपर विज्ञान के रूप में अगर शोध होता है तो एक समन्वित और कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स और जो भी उसमें भागीदार होते हैं उनको साथ में मिला के काम किया जाता है। भारत में बहुत विज्ञान में बहुत काम हो रहा है, पर ये काम अंत तक किसान और एक आम नागरिक तक पहुँचने में इसमें कहीं ना कहीं बीच में एक हल्का सा गैप है और उस गैप की वजह से भारत में कंजर्वेशन संरक्षण और पोलिनेशन और जो हनी बीज की हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में कंपेरिजन हम अगर विलायत से करें तो थोड़ा डिसरप्टेड या अलग अलग दिखाई देता है। विदेशों के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे आम नागरिक को जोड़ के बिग लेवल पे कैंपेन्स किए जाते हैं जिसमें उनके लाभ और उनकी हानि सही तरीके से सबके सामने पेश की जाती है और हमें इनके लाभ के बारे में बताया जाता है बार बार, और उस लाभ की वजह से हर इंसान उसको एक दूसरे नज़रिए से देखता है और उसके वजह से वो आदमी एक संरक्षण की यात्रा में या कंजर्वेशन कैंपेन के अंदर सम्मिलित होता है। डॉक्टर बलराज, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सुमित जी ने भी बताया यहाँ पर कि कैंपेन किया जाता है यूरोप और अमेरिका में मधुमक्खियों को लेकर भी से कैंपेन की शुरुआत की हुई है और वहाँ पर ये कैंपेन चलता है, तो भारत में क्या इस तरह के कैंपेन हैं मधुमक्खियों को सेव करने को लेकर? बिल्कुल, निश्चित रूप से पुराने समय में हो सकता है इस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं गया और वैज्ञानिकों का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब भारत सरकार और दूसरी राज्यों की सरकारें इस पर बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वे जागरूकता से संबंधित हो या प्रशिक्षण से संबंधित हो। और आप देखिए आज ये जो, और इसमें तो अभी इसी वर्ष हनी बी मिशन का शुरुआत की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा जोर इसके ऊपर मीठी क्रांति के रूप में या मधुमक्खी पालन के ऊपर है केंद्र सरकार का, और इसी की वजह से आज नेशनल बी बोर्ड, चाहे वो हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन हनी बी एंड पॉलिनेटर्स हैं या खादी ग्रामोद्योग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो, तो अलग अलग संस्थाएं आजकल पूरा जोर दे रही हैं और देश में आज उसी की बदौलत हमारे पास करीब 25 लाख कॉलोनीज बक्से देश में मौजूद हैं जो पालतू मधुमक्खियाँ हैं जंगली प्रजातियों के अतिरिक्त, और आज हमारे देश में शहद का जो उत्पादन है वो भी 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है, 1.5 लाख मीट्रिक टन है लगभग। चलिए बलराज जी, आपने बहुत कुछ बताया कि मतलब सरकार जो है यहाँ पर भारत की वो भी कैंपेन चला रही है और मधुमक्खियों को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि हनी भी किस तरीके से जो है कृषि के लिए काफी महत्व रखती है। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और भी रोचक जानकारियां जानेंगे मधुमक्खियों को लेकर। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in url पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है, विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सपर्ट से हम समझते हैं कि मधुमक्खियों को लेकर वैश्विक स्तर पर क्या कुछ चिंताएं जो हैं। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर पूछेंगे अपने गेस्ट सुमित जी से, डॉक्टर सुमित की सवाल यहाँ पर है कि इकोसिस्टम को लेकर, कि जहाँ पर जो मधुमक्खियाँ हैं उसके पॉलिनेशन को लेकर क्या कुछ महत्व है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बायो इंडिकेटर होती हैं, कैसे, लेकिन ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बट हम ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि मधुमक्खियों को एक सामाजिक जीवन जीने वाला भी यहाँ पर बताया गया कि बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक जीवन जीती हैं। इन पहलुओं पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी जानकारी दें। मधुमक्खी के सामाजिक जीवन के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि मधुमक्खी का जो एक छत्ता जिसको हम हाइव कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ता एक पूरी फैमिली यूनिट होती है। उसके अंदर एक क्वीन होती है, एक मादा होगी जो लाइफ लॉन्ग अंडे देने का काम करेगी और वो पूरे परिवार को फेरेमोन के थ्रू कंट्रोल करती है। दूसरे उसके साथ में उनके नर होते हैं जो बहुत कम संख्या में होंगे, मादा एक होंगी, नर बहुत कम संख्या में होंगे। उसके बाद में उनके पास में इनफर्टाइल स्टराइल फीमेल्स होंगी, जो स्टराइल मादाएं होंगी वो श्रमिक का काम करती हैं। तो पूरा जैसे हमारे एक परिवार में और एक हमारे समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था होती है काम करने का, सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम जिम्मेदारी देते हैं, उसी प्रकार एक मधुमक्खी का छत्ता या एक परिवार के अंदर हर इंडिविजुअल का, हर एक मधुमक्खी का काम फिक्स है कि किसको क्या काम करना है, कौन जाएगी पोलिनेट करने के लिए, कौन नेक्टर लेकर आएगी, छत्ते की सफाई कौन करेगी, अंडा कौन देगी, लार्वे का मेंटेनेंस कौन करेगी, क्वीन का ध्यान कौन रखेगी। तो इस प्रकार एक और इनके बीच में इतना अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होता है कि सारी की सारी मधुमक्खियाँ साथ में मिलकर सारा काम करती है। मधुमक्खियों को बायो इंडिकेटर इसलिए कहते हैं कि हमारे आसपास के जो पर्यावरण है उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूशन और दूसरे इम्पैक्ट, रेडिएशन के और के दूसरे इम्पैक्ट, पेस्टिसाइड के हमारे आसपास में होते हैं। मधुमक्खी का जो एक डेली साइकिल है उसके अंदर वो बहुत बड़े एरिया के अंदर एक मधुमक्खी नहीं घूमती, पर अगर हम सारी छत्ते की मधुमक्खियों को अगर हम जोड़ें तो वो आसपास के बहुत बड़े एनवायरनमेंट के अंदर डेली विजिट करती हैं और वहाँ से वो नेक्टर लेकर आती हैं, वहाँ से वो दूसरे अपने पोलिनेशन का पोलन्स और सब ला के अपना छत्ता बनाती हैं। हमारे आसपास में पोल्यूशन का क्या लेवल चल रहा है उसको हमें देखना है तो सबसे बेस्ट है आप हनी का एक छोटी सी क्वांटिटी लीजिए और उसका आप केमिकल कंपोजिशन चेक करिए, तो आपको उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा पता लगेगी, आपको उसमें एयर पोल्यूटेंट जितने भी जिंक है, लेड है, सबकी पोल्यूटेंट की मात्रा पता लगेगी, क्योंकि वो जगह जगह पोलिनेशन करने के लिए जा रही है और सारा लाके अपने छत्ते में स्टॉक कर रही है। तो इसलिए हम उसको एक इंडिकेटर के रूप में समझ सकते बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर काफी वातावरण में और कीटनाशक का काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका कितना ज्यादा प्रभाव जो है वो मधुमक्खियों पर पड़ता है और कितना जो है कीटनाशक होना चाहिए या इसको लेकर क्या कुछ शोध किया जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल निश्चित, मैं डॉक्टर सुमित ने जो बात की बायो इंडिकेटर की उसी आगे बढ़ाऊंगा कि जलवायु परिवर्तन का जब दौर है, चाहे वो पॉल्यूशन की बात है, चाहे दूसरी बात है टेम्परेचर बढ़ने की बात है, तो सबसे पहला असर मधुमक्खियों के ऊपर पड़ता है और उनकी पॉपुलेशन घटती है, डिक्लाइन होती है। तो ये भी एक दूसरा प्रमाण है बायो इंडिकेटर होने का। इसके अतिरिक्त आपने पेस्टिसाइड्स की बात की और एक विषय था परागण का कि बिल्कुल निश्चित रूप से जो परपरागित फसलें हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, उनमें पूरा रोल मधुमक्खियों का है, चाहे वो बेल वाली सब्जियाँ हों, लौकी, तुरई, करेला, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, जितने भी है पंपकिन, जितनी फसलें हैं, सरसों हैं आपकी या धनिया है आपका, आपका सौंफ है, ये परपरागित फसलें हैं। लेकिन जो दूसरी फसलें हैं स्वपरागित, उनके अंदर भी मधुमक्खियों का पॉलिनेशन में रोल है, उपज बढ़ाने में और गुणवत्ता बढ़ाने में। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अगर कोई पॉलिनेटर ना हो तो आपका एक भी दाना ना धनिया का बनेगा, ना आपका लौकी लगेगी, अगर पॉलिनेटर नहीं है तो ना आपका खीरा लगेगा, ना आपकी ककड़ी लगेगी, ना आपका सौंप का दाना बनेगा। तो पॉलिनेटर्स का मेजर रोल है। इसके अतिरिक्त जो आपने बात की कि पेस्टिसाइड्स को लेके कि भाई इसका कितना दुष्प्रभाव हमारी मधुमक्खियों के ऊपर, चाहे वो पालतू हैं चाहे वो जंगली हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर जो हमारा जो कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देश भर में काफ़ी सेंटर्स पे, 26 सेंटर स्थापित हैं पूरे देश में अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके अंदर, और उस पर अनुसंधान का कार्य जो है नियोनिकोटाइड्स को लेके जो शुरू किया है, और जल्दी ही एक दो साल के अंदर उसके हम ये बिल्कुल कह पाएंगे
कि क्या कौन से कीटनाशकों का कितना दुष्प्रभाव मधुमक्खियों के ऊपर, पालतू के ऊपर या जंगली प्रजातियों पर पड़ता है। डॉक्टर सुमित, डॉक्टर बलराज ने कहा कि अभी शोध है कि कीटनाशक किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी इनके यहाँ पर होना चाहिए। जिस तरीके से मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं और इनके पॉलिनेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये सहयोग करते हैं कृषि को लेकर, और जो हमारी खान पान की चीज़ें हैं वो हमें इन्हीं के जो है बिहार पर इनके ही थ्रू हमें यहाँ पर मिलती है। तो अभी क्या हम ये मान लें कि इस वक्त अगर भारत में मधुमक्खियों की संख्या के बारे में बात करें तो क्या ये कम हो रही हैं, इनको लेकर कि इसे बढ़ाने को लेकर क्या कुछ कोशिशें या जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है भारत में? मैं इसका, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दो प्रकार की मधुमक्खियाँ होती, एक मधुमक्खी होती है जिसको हम आसानी से पालतू बना सकते हैं, तो पालतू बनाई हुई मधुमक्खी को हमारे पास में बॉक्सेज हैं, उसके मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, उसके अंदर हजारों करोड़ लोग उसके अंदर अपनी आमदनी और सब कर रहे हैं। दूसरी जो मधुमक्खियाँ हैं जो जंगली मधुमक्खियाँ होती हैं, अगर हमें इस तरह का अगर अध्ययन करना है तो जंगली मधुमक्खियाँ एक इंडिकेटर के रूप में हम ले सकते हैं। जैसे एक भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है एपिस डोरसाटा, जिसको हम लोग रॉक बी भी कहते हैं। तो ये माइग्रेटरी अपनी एक इसकी प्रवृत्ति है कि एक जगह से दूसरे जगह तक लंबी दूरी की यात्राएं पूरे ग्रुप के अंदर तय करती है, और मौसम और तापमान के हिसाब से ये अलग अलग जगहों पे अपने छत्ते बनाती है। दक्षिणी भारत के अंदर नीलगिरीज हिल्स के अंदर कुछ अध्ययन किए गए हैं, उसके अंदर वहाँ के आदिवासी जातियों के साथ में जो मधुमक्खी जंगली मधुमक्खियों से शहद निकालते थे, उन्होंने और जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने साथ में मिलकर शोध करके ये पता लगाने की कोशिश की कि जहाँ पे नंबर संख्याएं हाइव की होती थी 100-150 जो प्रत्येक पेड़ पे होती थी, उनकी संख्या घटके 10-12 तक हो गई। तो एक रफ एस्टीमेट है, जो मोटा मोटा एस्टीमेट इन्होंने करके रखा उसमें ये बताया कि लगभग 50-60% छत्तों की संख्या कम हो गई, और हर छत्ते के अंदर हजारों मधुमक्खियाँ होती है। तो हम मधुमक्खी का खुद से अंदाज नहीं लगा सकते, पर छत्तों की संख्याओं का आंकलन किया गया है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को रेस्पॉन्सिबल माना गया जिनके कारण है, जिसके अंदर जिसको हम बहुत बड़े अम्ब्रेला रूप में हम देखें तो क्लाइमेट चेंज जिसको हमने दिया, पर जलवायु परिवर्तन हो गया, उसके साथ हैबिटेट लॉस है, वास स्थान की कमी है, पॉल्यूशन उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और जो कीटनाशकों जो आप बात कर रहे हो उसके कि कीटनाशकों के प्रभाव से मधुमक्खी छत्ते से फूल के पास जाती है पोलिनेट करने के लिए जाती है, पर वो वापस अपने छत्ते तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि इंसेक्टिसाइड की वजह से उसका ओरिएंटेशन जो है बिगड़ जाता है, वो मरती है, नहीं मरती है तो ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है, तो मरे समान काउंट होती है क्योंकि वो वापस छत्ते पे नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार मधुमक्खियों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। जी डॉक्टर समित, ये कहना है कि संख्या जो है वो काफ़ी कम हो रही है यहाँ पर, कोशिशें की जा रही है कि उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कहीं मधुमक्खियों की संख्या कम होती है तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। फिलहाल मधुमक्खियों से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए हम चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in url पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए जानते हैं नन्ही मधुमक्खियों के ऊपर हमारे देश में क्या शोध और अध्ययन है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर डॉक्टर बलराज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सुमित ने बताया कि मधुमक्खियाँ जो है उनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि लगातार इनकी संख्या में कमी हो रही है, क्योंकि लगातार कोशिशें ये भी की जा रही है कि इनकी संख्या में बढ़ावा किया जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आपने पूछा है।
अगर मैं मधुमक्खियों की बात करूं तो विश्व भर में जो पालतू प्रजातियां हैं, चाहे एपिस मेलिफेरा हो, सिराना इंडिका हो या और विदेशों में दूसरी प्रजाति हो सकती है, उनकी संख्या में गिरावट नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में दो प्रजातियां जो पालतू हैं उनकी संख्या तो बढ़ी है बहुत ज़्यादा। आज हमारे पास बताया कि 25 लाख के लगभग बक्से हैं देश में, लेकिन जो जंगली प्रजातियां हैं और जो परागण में बहुत सक्षम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एपिस डॉर्साटा का एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरा एपिस फ्लोरिया का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, तो इस प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं उनकी जनसंख्या में विश्व भर में पिछले दो दशक में भारी गिरावट आई है, और ये गिरावट जो है 30-35% तक आंकी गई है, और इसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन का ही, आप कीटनाशकों का उपयोग, हैबिटेट लॉस या मानव जाति का अतिक्रमण। किस तरीके से अतिक्रमण? हंटिंग, अगर आपने जाया छत्ता जला दिया शहद को प्राप्त करने के लिए, तो इस तरीके के जो प्रयास हैं इन पे भी सरकार का पूरा जोर है, क्योंकि अगर एपिस डॉर्साटा का अगर एग्जाम्पल मैं दूं तो ये एक ऐसी सक्षम प्रजाति है जिसका फॉरेजिंग एरिया 5 किलोमीटर का है और वो -25 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तक काम कर सकती है। इतनी सक्षम प्रजाति है कि राजस्थान में बाड़मेर में भी मिलेगी, आप उधर चले जाएंगे कारगिल वहां भी मिलेगी एपिस डॉर्साटा। इसी तरीके से फ्लोरिया बहुत छोटी है, कई घास में झाड़ी में भी छत्ता बना लेती है, तो अक्सर इनकी पॉपुलेशन में जनसंख्या में गिरावट आई है जो एक चिंता का विषय है, और इसको लेकर भी हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, आम व्यक्ति को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए कोशिश लगातार की जा रही है कि इनकी संख्या कम ना हो बल्कि इसमें और ज्यादा बढ़ावा किया जाए। डॉक्टर बलराज, एक सवाल यहाँ पर और है कि अगर हम यहाँ पर बात करें मधुमक्खियों की, तो किन किन फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो पॉलिनेशन होता है वो किन किन फसलों के लिए होता है? जैसा कि आपने बताया कि 9 प्रजातियां जो है पाई जाती हैं, 5 इंडिया में है। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे नॉन एपिस, अगर हम बी की बात करें, उनको लेकर क्या कुछ अध्ययन हुआ है? बिल्कुल, दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछे, एक तो नॉन एपिस बी को लेकर के और एक किन फसलों में। मैंने पहले भी बता दिया कि दो प्रकार की फसलें परपरागित क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं, तो क्रॉस पॉलिनेटेड में तो निश्चित रूप से पूरा योगदान मधुमक्खियों का या दूसरे मित्र कीट जो परागण में सहायक है उनका और रोल है। अगर वो ना हो तो आपका कुछ नहीं, ना तो फल बनेंगे, ना आपका दाना बनेगा, ना सीड बनेगा, ठीक है, तो ये उनका। दूसरी स्वपरागित फसलें, जैसा आपने बात की नॉन एपिस की, तो जैसे टमाटर स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, और हम आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही है ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, उसमें टमाटर लगा दिया आपने, साल भर की फसल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड होते हुए उसको एडिड पॉलिनेशन की जरूरत है, पॉलिनेशन में सहायता की जरूरत है, और उसको मधुमक्खी पसंद नहीं करती क्योंकि नेक्टर नहीं अवेलेबल है उसमें। तो ऐसी स्थिति में बम्बल बीज, या तो हम उसको वाइब्रेट करें एक एक फूल को, वाइब्रेटर, उसको इलेक्ट्रिक बी भी कह सकते हैं हम, या कोई ऐसी हवा के यंत्र यूज करें, एयर ब्लोअर्स का यूज करें, क्योंकि हमें फूल हिलाने हैं, उनको वाइब्रेट करना है, तो लेकिन बम्बल बीज यूरोप के देशों में वहां की अलग प्रजातियां हैं जो प्रमुख है बम्बल बीज की, और वो फूल के उल्टी तरफ बैठती है और नीचे से बैठ कर फिर जो है ना अपने पंखों को झड़झड़ाती है, जिसकी वजह से फूल तेजी से हिलता है और एंथर्स पोलन्स को रिलीज कर देते हैं, जिसको हम नाम लेते हैं बज पोलिनेशन का, तो वो सक्षम प्रजाति है। उसके ऊपर हमारा अनुसंधान का कार्य, जो हमारा सेंटर है सोलन में YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहाँ पे काम चल रहा है। जी बिल्कुल, और आगे भी शोध जारी रहेगा और जानकारियाँ काफी मिलती रहेंगी क्योंकि लगातार इस पर काम हो रहा है। डॉक्टर सुमित, वक्त काफी कम है लेकिन यहाँ पे हम जब से जानना चाहेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा है कि मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो मानव जीवन नहीं होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी राय की, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि कितनी सच्चाई है इस बात में? जैसे मैं आपको भी पहले बता रहा था कि मधुमक्खी बहुत सारी चीज़ों को पोलिनेट करती है, मधुमक्खी से एक ये पोलिनेशन हमारा एक एडेड सर्विसेज है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट सर्विस में मानते हैं। डायरेक्ट सर्विस में हमारे पास में जो इकोनॉमिक्स है उसमें आता है आपका हनी आता है, और उसके बाद में बी वैक्स का वैक्स आता है, और फिर हमारा पोलिनेशन का जो सर्विसेज है। 80% हमारे जो फूड क्रॉप हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे आसपास के जो जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हैं उनको पोलिनेट करने का काम हनी भी करती है। हम सब एक बायोडाइवर्सिटी, एक विस्तृत एनवायरनमेंट के अंदर पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, और उसके अंदर मधुमक्खी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, और बहुत सारे स्पीसीज को पोलिनेट करने की वजह से उसका सीड बनता है, उसका नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। तो मधुमक्खी एक पौधे का जीवन नए जीवन के रूप में देने का काम करती है, और हमारी डिपेंडेंस, हम मधुमक्खी पर निर्भर हैं, और मधुमक्खी का होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होगा।
बिल्कुल डॉक्टर सुमित, आपने कहा कि मधुमक्खी का हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बलराज, आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि जगह जगह जो है छत्ते दिखते हैं मधुमक्खियों के और उसे तोड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? काफी कम वक्त है, तो हम चाहेंगे क्योंकि अब बहुत जल्दी इस चीज को समझाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से मधुमक्खियों का खेती के अंदर योगदान है और मानव जीवन खेती के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जो भी कुछ हो, अनाज, दलहन, तिलहन, जो भी कुछ है, तो पॉलिनेशन के कारण मधुमक्खियों के का रोल है। अगर वो नहीं रहेंगी तो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारा अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ सकता है। और जहाँ तक बात है कि छत्ते लगे हैं, लोगों की नज़र जाती है कि इनको तोड़ दिया जाए, नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए, क्योंकि वो जंगली प्रजातियाँ उतनी ही सक्षम परागण करता है जितनी की पालतू हैं, और इनका मानव जीवन के अंदर खेती के कारण बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर बलराज, जैसा कि आपने बताया कि मधुमक्खी हमारे लिए बहुत जरूरी है और बहुत तमाम जानकारी आज हमें जानने को मिली यहाँ पर मधुमक्खियों को लेकर, तो डॉक्टर सुमित और डॉक्टर बलराज, आप दोनों का तमाम रोचक जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज के बाद यदि आप अपने घर के आसपास किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखेंगे तो उसकी अहमियत समझ सकेंगे और उसे अपनी तरफ से पूरा संरक्षण देंगे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। नमस्कार।